गोरखपुर के जिला अस्पताल के टीबी अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी ने आज जहरीली दवा खाकर मौत को गले लगा लिया। 14 माह के वेतन न मिलने के कारण ये कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिजनों ने यहां अस्पताल प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाया है, वहीं सीएमओ इससे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है टीबी अस्पताल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी रामदरस की। रामदरस ने आज जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही टीबी अस्पताल में कार्यरत 45 कर्मचारियों को फर्जी बताते हुए निकाला गया था, जिसके विरोध में इन्होंने सीएमओ दफ्तर के सामने धरना दे दिया था। बाद में इनको सीएमओ ने काम पर वापस भी ले लिया, लेकिन इनका 14 माह का बकाया पैसा अस्पताल प्रशासन नहीं दे पा रहा था, जिस कारण इनके समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया। रामदरस के परिजनों का आरोप है कि बार बार मांगने के बावजूद जब पैसा नहीं मिला तो आहत होकर रामदरस ने ये कदम उठा लिया। हाँ, मुझे भी संज्ञान में आया है। एक कर्मचारी जो कल रात ड्यूटी पे आया, 8 बजे रात से उसकी ड्यूटी थी, तो 9:30 बजे के करीब उसके पैर कदम लड़खड़ाने लगे और वो थोड़ा सा हो गया, तो लोग उसको लेकर के जिला अस्पताल आए। फिर यहाँ से उसको 2 घंटे बाद रेफर कर दिया गया और मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ उसका इलाज हो रहा था, लेकिन आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। उसके पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। जी सर, क्या कारण था कि आप यहाँ धरना समाप्त हुआ? आप लोगों ने कहा कि तनख्वाह मिलेगी, लेकिन व्यक्ति को तो उन्होंने तनख्वाह नहीं मिली और भुखमरी के कारण उसको मरना आत्महत्या करनी पड़ी सर। नहीं, और भुखमरी के कारण क्या करना पड़ा या किस वजह से करना पड़ा, ये तो अभी क्लियर नहीं है। तनख्वाह के लिए हम लोगों ने डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ को 2-3 बार कई बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, और वहाँ से जैसे ही तनख्वाह रिलीज होगी तो हम लोग एजेंसी को उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, एजेंसी उनको पैसा दे देगी। इसके लिए हम लोगों ने 5-6 चिट्ठियाँ लखनऊ में लिखी हैं और उम्मीद थी कि इस पर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। अभी परेशानी है साहब की 15 महीने से ड्यूटी कर रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा है, और जब यहाँ से घर का कुछ मनो कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? वहाँ कूड़ाघाट। किस चीज़ में? टीबीएस है बोलती है, टी अस्पताल, ठीक वही है। तो वहीं से आए तो वहीं दवा वहीं खा लिए हैं। कौन सी ड्यूटी है? में वही साल पाक। तो पर क्या परेशानी थी उनको? उसको परेशानी अब वही है, समझ लीजिए कि पैसा नहीं मिल रहा था, घरे आए लड़के बच्चे जेवर फेवर बेच करके खिला पिला चला रहे थे। कितने बच्चे हैं उनके? 2 एक लड़की है एक लड़का। तो कहाँ के रहने वाले आप? आपका नाम? बनारसी लाल। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? कुछ बच्चन के नौकरी को, हम दोनों बच्चन को दूसरे काम कहा जाए, बच्चन के कुछ उठका और क्या किया हमने। आप तो साथ वही मृतक के साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस के गेट के सामने शव को रख कर करीब 1 घंटे तक रोड जाम किया। सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारियों ने जाम खुलवाया। चौदह महीना से वेतन ना मिलल, 1 रुपया नहीं सर मिलल। ओकर बाद से जेना हमारे घर में लाई पूजी रहा, सब बेच बेच के रोज 150 भाड़ा देती। हमारे घर में साग सब्जी खातिर पैसा ना, एक बूंद दूध ही लेके हमारे तरफ ताना कहीं कि अच्छा एक दिन हासिल हो, लेकिन ड्यूटी पीरियड में पता नहीं का सोचल। एक वर्खन आई भाई। कहाँ की रहने वाली आप हैं? ग्राम सवाल टावर टोला भवानीपुर। कौन थाना है? पीपीगंज। अच्छा, मतलब घर में 14 में तो सारा चीज बिक गया था, सब कुछ कुछ नहीं? कुछ नहीं है, जितना था रो 150 रुपया भाड़ा लगता था सर। मेरे सर पे देखिए कुछ नहीं, जो पहने हैं बस वही देख लीजिए। तो आपकी क्या मांग है यहाँ के प्रशासन से? हम मेरे बच्चे वैसे तड़फेंगे, मैं भी वैसे तड़फूंगी, क्या मेरे बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, फिर बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। मैडम क्या मामला था? मामला ये था सर कि 14 महीने से हम लोगों को टीबी अस्पताल के लिए ज्वाइन कराया गया था, लेकिन हम लोगों से काम लिया गया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और PSCCHC में, और उसके बाद 14 महीने से हम लोगों को एक भी महीने का कोई वेतन नहीं मिला, जिसमें मेरे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो बहुत हर मतलब क्या स्थिति है हम लोग उसको बता नहीं सकते हैं। अपनी बीवी का जेवर, बच्चों के दूध, उसका पैसा वो बेच के किराया करके जाते हैं आते हैं, लेकिन मतलब कोई ना प्रशासन सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना मेरा सीएमओ सुन रहा है, लेकिन आज सीएमओ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग नहीं छोड़ेंगे किसी भी स्थिति में, क्योंकि हमारा एक भाई गया है
और भाई गया उसकी बीवी की हालत को अगर देखेगा, शायद अगर किसी के पास भी दिल होगा तो उसका दिल फट जाना चाहिए। तो ये चीज़ सीएमओ को देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। तो इसको लेके आप लोगों में काफ़ी गुस्सा लग रहा है? जी, हम लोगों में बहुत सारा गुस्सा, और हम लोगों का यही है कि हम लोगों के लिए जो भी किए हैं आगे करें या ना करें, लेकिन उसके बीवी बच्चों के लिए हम लोग लड़ेंगे, चाहे जितना भी लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे, और उसके बीवी बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ to receive new updates, reviews and news.